नमस्कार। इस वेबिनार में ऊपर आप उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती हैं। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मनचाहा आता है, समय सीमा के भीतर आता है। हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए। जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए, बहुत उत्तम सुझाव आए। अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे, इस पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोडमैप बनाने में बहुत मदद करेगा। अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अब देखिए, रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, सब हमारे महान गुरु परंपरा हुई उनके सारे तीर्थ क्षेत्र, पूरा पंजाब भरा पड़ा है। हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए
मिलकर के काम करना ही है। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथियों, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहां यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे। चारधाम यात्रा हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है, और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे, लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे। लेकिन वहां जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं बनी, तो उस पावागढ़ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद, नवनिर्माण के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां औसतन आते हैं। यानी सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजें होती वो भी बढ़ने लग गई है, और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानीय स्तर पर कमाई के ज्यादा अवसर, रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मौके।
अब देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी उदाहरण दूंगा, ये प्रतिमा बनने के बाद एक साल के भीतर ही 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। ये दिखाता है कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमिनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। साथियों, मुझे आपसे बात करते हुए अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब है, उस कांकरिया लेक प्रोजेक्ट के विषय में भी कुछ करने का मन करता है। अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहां आमतौर पर लोग जाते नहीं थे, वैसे वहां से गुजरना पड़े तो गुजरे, लेकिन वहां कोई जाता ही नहीं था। हमें वहां न सिर्फ लेक का रिडेवलपमेंट किया, बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलपमेंट भी किया, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने वहां स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां एंट्री फी होने के बावजूद भी औसतन प्रतिदिन 10,000 लोग मुलाकात करते हैं। ऐसे ही तरीकों से हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित कर सकता है। साथियों, ये वो समय है जब हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव अब टूरिज्म पर के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव है वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट हो, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। साथियों, आज एक बात मैं भारत आ रहे फॉरेन टूरिस्ट के संदर्भ में भी बताऊंगा। आज जिस तरह दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले साल जनवरी में सिर्फ 2 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि इस साल जनवरी में 8 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विदेश से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, हमें उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टारगेट ग्रुप तय करना होगा। विदेश में रहने वाले वो लोग जिनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे टूरिस्ट भले ही कम दिन भारत में रहेंगे, लेकिन ज्यादा राशि खर्च करके जाएंगे। आज जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं वो औसतन $1,700 खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैवलर औसतन $2,500 और ऑस्ट्रेलिया में करीब $5,000 खर्च करते हैं। भारत में भी हाई स्पेंड टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। हर राज्य को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किसी स्थान पर रुकने वाला जो टूरिस्ट होता है वो बर्ड वॉचर होता है। ये लोग महीनों महीनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं। भारत में इतने भांति भांति प्रकार के पक्षी हैं, हमें ऐसे पोटेंशियल टूरिस्ट को भी टारगेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच आपको टूरिज्म सेक्टर की एक बेसिक चुनौती पर भी काम करना है। यह है हमारे यहां प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कमी। गाइड्स के लिए स्थानीय कॉलेजों में सर्टिफिकेट कोर्स हो,
कंपटीशन हो, बहुत अच्छे नौजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए मेहनत करेंगे और हमें शानदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस्ट गाइड मिलेंगे। उसी प्रकार से डिजिटल टूरिस्ट गाइड भी अब तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी कर सकते हैं। किसी एक विशेष टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो गाइड काम कर रहे हैं उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस या वर्दी भी होनी चाहिए, इससे लोगों को पहली नजर में ही पता चला जाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो टूरिस्ट गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा। हमें ये याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस्ट किसी स्थान पर पहुंचता है तो उसके मन में सवालों का भंडार भरा होता है, वो अनेक सवालों के तत्काल समाधान चाहता है। ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जवाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है। साथियों, मुझे विश्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिज्म से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे, आप बेहतर सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे टूरिज्म के लिए हम मान लीजिए हर राज्य एक या दो बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जोर लगाता है, तो एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम तय करें कि भाई स्कूल से बच्चे जो टूरिस्ट के रूप में निकलते हैं, हर स्कूल टूरिस्ट करते ही हैं, यात्रा के लिए निकलते ही हैं, दो दिन तीन दिन के कार्यक्रम बनाते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि भाई फलाने डेस्टिनेशन में शुरू में पर डे 100 लोग स्टूडेंट्स आएंगे, फिर पर डे 200 आएंगे, फिर पर डे 300 आएंगे, फिर पर डे 1000 आएंगे। अलग अलग स्कूल के आए वो खर्चा करते ही हैं, यहां जो लोग हैं उनको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चलो ये व्यवस्था खड़ी करो, ये दुकान खड़ी करो, पानी की व्यवस्था करो, अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे सभी राज्य तय करें कि नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारे 8 राज्य हैं, हम हर वर्ष 8 यूनिवर्सिटी हर राज्य में तय करें और हर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में 5 दिन 7 दिन टूर करेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी, तीसरी दसवीं टूर, आप देखिए आपके राज्य में 8 यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां के हमारे युवकों को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का पूरा आता पता होगा। उसी प्रकार से आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, विदेश से तो लोग जाते हैं, क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहां से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे। घर में 2 बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है। हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे लेकिन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है। हमने इस दिशा को अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ इन्हें गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं। उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंसेस, आज दुनिया के लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करें, लोगों को कहें, जमीन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग आएंगे, आएंगे तो होटल में भी रुकेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, यानी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टूरिज्म भी बहुत क्षेत्र है, हम इनवाइट करें। अब देखिए अभी कतर में फुटबॉल मैच हुआ पूरे दुनिया का, कतर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका, दुनिया भर के लोग आए, लाखों लोग आए। हम छोटे से शुरू करें बहुत बड़ा हो सकता है, हमें इन तरीकों को ढूंढना होगा। उसके लिए फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर, शुरू में लोग आए ना आए, हम अपने स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों, हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहां जाना, अगर हम अपने एक डेस्टिनेशन को महत्व देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की व्यवस्थाएं बनेगी। मैं चाहता हूं कि भारत में कम से कम 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हमने डेवलप करने चाहिए कि दुनिया के हर कोने में पता हो कि अगर भारत जाते हैं तो इस जगह पे तो जाना ही चाहिए। हर राज्य को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतने देश के लोग मेरे यहां आते हैं, दुनिया के इतने देशों को हम टारगेट करेंगे, हम वहां की एम्बेसी को लिटरेचर भेजेंगे, वहां की एम्बेसी को हम कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्टों के लिए मदद चाहते हैं तो हम ये मदद करते हैं। हमें पूरी व्यवस्था, हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको नए सिरे से सोचना होगा। हमें हमारी एप्स, हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सबको बहुत आधुनिक बनाना होगा और हमारा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी ऐप यूएन की सभी लैंग्वेजेज में ना हो और भारत की सभी लैंग्वेजेज में ना हो। अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट बना देंगे तो संभव नहीं हो। इतना ही नहीं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर साइनेजेज सभी भाषाओं के होने चाहिए। अगर तमिल का कोई सामान्य परिवार आया है, बस लेकर के चला है और वहां पर उसको तमिल में अगर साइनेजेज मिल जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जी, हमने एक बार अगर इसके महात्म्य को समझेंगे तो हम अवश्य रूप से टूरिज्म को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार में बहुत विस्तार से चर्चा करिए और रोजगार के बहुत सारे अवसर जैसे एग्रीकल्चर में है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्सटाइल में है, उतनी ही ताकत टूरिज्म के अंदर रोजगार की है। बहुत अवसर है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।